वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, अगर क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और इनके टाइप्स और इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल ट्रांसमीटर और केमिकल मैसेंजर आर रिलीज बाई न्यूरोन्स टू स्टिमुलेट अदर न्यूरोन्स और मसल और ग्लैंड सेल। मीन्स पहले अगर स्टिमुलेट की बात करें तो जो चेंजेस है हमारे बॉडी के अंदर, कुछ भी चेंजेस आता है इंटरनली, उसी को स्टिमुलेट कहते हैं। सो और जो नर्व सेल है इन्हीं को न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दोनों एक ही होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो केमिकल ट्रांसमीटर भी हम उन्हें कह सकते हैं और केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर इसलिए क्या कि वो जो एक तरह से मैसेज फॉर्म में कन्वे कर रहे हैं एक से दूसरे की तरफ, और ये रिलीज कहाँ से होते हैं, तो न्यूरॉन से। सो मेनली अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है, ये हो गया न्यूरॉन। न्यूरॉन को एंड में जो ये एक्सॉन टर्मिनल है इसको और मैग्नीफाइंग करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होगा, जिसमें से ये आप वेसिकल्स हैं और वेसिकल्स के अंदर ये डॉट डॉट देख रहे हो, यही है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज आउट होंगे और अदर न्यूरॉन के साथ अटैच होंगे, या फिर मसल के साथ या ग्लैंड के साथ। सो इसी वजह से हमारा जो मसल कंट्रैक्शन होता है वो प्रोवाइड हो पाता है, मींस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सो न्यूरोट्रांसमीटर मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। सो ये दो टाइप्स पढ़ने हैं हमें। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज द केमिकल सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरोन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। मीन्स दो न्यूरोन है, एक प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। सो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे कि हमने मान लिया कि ये न्यूरोन है और एक ये न्यूरोन है। सो जो ये वाला न्यूरोन होगा वो प्री साइनेप्टिक होगा और ये वाला जो होगा वो पोस्ट साइनेप्टिक होगा, और बीच में जो ये स्पेस है इसी को हम कहते हैं साइनेप्स। सो मेनली बताया जा रहा है कि जो प्री साइनेप्टिक है इसमें से जो इम्पल्सेस जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो वो पोस्ट के पास जाएंगे। सो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज फ्रॉम वेसल एंड मूव टू द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर बाई पासिंग साइनेप्टिक एंड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। जो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक नॉर्मली क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जाता है उसके रिसेप्टर पे अटैक होने के लिए, बट द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डजंट जनरेट एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली, वो डायरेक्टली एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाते हैं आफ्टर अटैच द रिसेप्टर ऑफ पोस्ट साइनेप्स ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन पोस्ट साइनेप्स सोडियम चैनल इज ओपन। सो मेनली ये कहना ये चाहते हैं कि लाइक ये हमारा हो गया एक न्यूरोन, न्यूरोन के एंड में क्या होगा। सो न्यूरॉन के एंड में आप जैसे कि ये देख सकते हो एक्सॉन टर्मिनल है ये पूरा रीजन, और इसी एक्सॉन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। सो इनको इसको अगर हम मैग्नीफाइंग करेंगे, अगर ये छोटा सा पार्ट है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। सो यहाँ पे ये क्या है, वेसिकल जैसा मैंने बताया था, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, और जो ऊपर वाला होगा इसको प्री साइनेप्टिक कहते हैं और इसको पोस्ट साइनेप्टिक। जो मैंने ये पोस्ट साइनेप्टिक बनाया है मींस ये एक न्यूरॉन और इसके बगल में एक और न्यूरॉन है, तो उस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ना बना करके मैंने उसका ये ऊपर का सरफेस दिखा दिया, जो ये हेड पोर्शन है वो ये है। यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स के बगल में चैनल्स होते हैं। सो मेनली जो ये आप देख सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होंगे, ये रिलीज होंगे कहाँ पे, साइनेप्स, ये बीच का पोर्शन है, साइनेप्स से होकर के नॉर्मली रिसेप्टर्स पे आकर के ये बाइंड अप हो जाते हैं। सो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें से जो ये रिलीज आउट होंगे रिसेप्टर्स पे, इस रिसेप्टर पे रिलीज आउट होने से जब ये बाइंड हो जाते हैं
नॉर्मली जैसे ये बाइंड हो गए, देन क्या होगा कि जो ये सोडियम चैनल है ये ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने से जो सोडियम का मूवमेंट है वो आउटसाइड से इनसाइड हो जाएगा। सो देन स्टार्ट फ्लोइंग द सोडियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड दिस आउटसाइड टू इनसाइड फ्लो ऑफ सोडियम आयन नोन एज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, मीन्स इसका जो है वो इनफ्लक्स हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस फ्लोइंग अ पोटेंशियल इज जनरेटेड, और इसी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। आफ्टर द इम्पल्स जनरेटेड, देन उसके बाद जो इम्पल्स जनरेट होगा दे गोस एंड परफॉर्म देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा वो इम्पल्स। अब हम बात कर लेते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इट इज द केमिकल सब्सटेंस विच इनहिबिट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरोन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन। इसमें भी यही होता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरोन से वो कंडक्शन करते हैं केमिकल सब्सटेंस का, कहां पे? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन्स। व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक ड्यू टू अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल इट कॉजेस ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल एंड द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन चैनल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड इट इज नोन एज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। मीन्स क्या है, जैसे कि ये हमारा हो गया न्यूरॉन हो गए, ये दो न्यूरॉन हो गए, इन दो न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट हुआ जिसकी वजह से जो ये आप एंड पोर्शन देख रहे हो और इसके जो ये हेड पोर्शन देख रहे हो, अगर इनको हम जूम करें तो इनको जूम करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा। जो ये है ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं और यहाँ पे चैनल, जैसे कि मैंने ये कर दिया। और जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज आउट होंगे और इस चैनल पे प्रेजेंट आकर के ये बाइंड अप हो जाते हैं, और जो ये चैनल है ये सोडियम ना होकर के पोटेशियम आयन चैनल है। जब ये आकर के बाइंड अप हो जाते हैं, जो ये पोस्ट साइनेप्टिक है, मेनली ये पोस्ट साइनेप्टिक है और ये प्री साइनेप्टिक है, देन ये पोटेशियम आयन चैनल जो है इसका रिलीज आउट होता है। तो सोडियम में क्या होता था, बाहर से अंदर की तरफ, और इसमें क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ। इसी को हम क्या कहते हैं, इफ्लक्स, क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। सो और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा हाइपर पोलराइजेशन। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से अंदर से बाहर जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन। जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं आई पी एस पी, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो पाता। सो इट डजंट जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जैसा कि आप देख सकते हो, दिस लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन विच इज कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एंड देन एक्शन पोटेंशियल इज नॉट जनरेटेड, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड नहीं हो पाता और जो फिजियोलॉजी के जो फंक्शन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का वो परफॉर्म आगे नहीं कर पाते, वो इनहिबिट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। आखिर एग्जाम्पल्स क्या क्या है न्यूरोट्रांसमीटर के। फर्स्ट वन इज एड्रेनालिन।
Adrenaline is primarily a hormone released by the adrenal gland, but some neurons may secrete it as neurotransmitter. जो adrenaline है वो सबसे पहले तो वो hormone है जो कि release कहाँ से होता है? Adrenal gland से. और जो adrenaline है ये secrete होता है by neurons in the form of neurotransmitter. ये करता है क्या काम है इसका? तो इट इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो. हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना. इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल और एक्साइटिंग सिचुएशन. स्ट्रेसफुल और एक्साइटिंग सिचुएशन में ये रिलीज आउट होता है. और सेकंड है डोपामाइन. आखिर डोपामाइन क्या होता है? सबसे पहले इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ प्लेजर्स बट इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट एंड मोटिवेशन. मीन्स ये पहले तो ये क्या है? इट इज प्राइमरी फीलिंग ऑफ प्रेजर्स. मीन्स आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और वो डोपामाइन लेते हैं. मीन्स कि उनको थकावट नहीं होती है जिसकी वजह से ज्यादा अपना काम कर पाते हैं. और जैसे कि आप देख सकते हो ये मूवमेंट एंड मोटिवेशन में काम करता है. यानी कोई भी हम फंक्शन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क, सो मैनी पीपल्स इसको ले लेते हैं. और अगर इसको हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, पीपल टेंड टू रिपीट बिहेवियर दैट लीड्स टू एडिक्शन, जिसकी वजह से पीपल को एडिक्शन हो जाता है लोगों को और उनको पता भी नहीं चलता है. अब हम बात करते हैं थर्ड, एसिटोकोलीन. एसिटोकोलीन आप जानते हो ये प्री साइनेप्टिक से रिलीज आउट होता है. इन्वॉल्व इन थ्रू थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी विद इन द ब्रेन. ये किस काम के लिए होता है? थॉट के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, ब्रेन में. एक्टिवेट मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉडी. सो जो एसिटोकोलीन है, जैसा आपने पढ़ा होगा पैरासिम्पेटेटिक में, पैरासिम्पेटेटिक नर्वस सिस्टम में ये क्या काम करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर. अब है नेक्स्ट सेरोटोनिन इन द ब्रेन. ब्रेन के अंदर इट एक्ट एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट्स मूड, फियर, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, मेंटल फोकस. सो ये ब्रेन में मेनली इसका काम क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या काम करेगा, तो ये रेगुलेट करता है जो हमारा मूड है, जो हमारा फियर है, जो फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन है, जो मेंटल फोकस है, जैसा हम सोचते हैं. इन द गट इट एक्ट एज हार्मोनल मैसेंजर. ये हार्मोनल मैसेंजर के जैसा काम करता है दैट रेगुलेट्स डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन. सो ये क्या काम करेगा? तो डाइजेशन को रेगुलेशन में काम करेगा प्रॉपर डाइजेशन के लिए, और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन के लिए. जो हम खा पी रहे हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उसको सही से एब्जॉर्प्शन करने का ये काम करता है सेरोटोनिन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. और फ्रेंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए. उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.